कलर ब्लाइंडनेस में आप देख लो और देख लो और इसमें जो नेल कटेंगे तो कट जाएंगे, फिर बाकी को रिटर्न एग्जाम लो। रिटर्न एग्जाम में तो फिर मेरे कौन से लेना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ जिला पुलिस बल आरक्षक भर्ती 2023-24 इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रहा है उसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो क्या न्यूज़ है, बहुत से देखिए बहुत से अभ्यर्थी क्या है जिनका जो एज है वो ओवर एज हो चुके हैं, ठीक है। उन्होंने क्या है, माननीय मुख्यमंत्री जी के पास विष्णुदेव साय जी, उप मुख्यमंत्री ठीक है विजय शर्मा जी के पास उन लोग पहुँचे हुए हैं कि इसकी जो उम्र की जो सीमा है, ठीक है, उम्र की सीमा क्या है, अभी 18 से 28 है, ठीक है, 18 से कितना है 28 वर्ष है। एससी एसटी के लिए कितना है तो ये 33 वर्ष तक है, और जो मान के चलो स्थानीय महिला है, ठीक है, स्थानीय महिला है इनका कितना है 18 से इसमें और ज़्यादा है 38 साल तक, ठीक है, इतने साल तक है इन लोग का क्या है जो सीमा है, ठीक। तो इन्हें लोग का क्या है कि इन लोग माननीय जो गृह मंत्री जी हैं उनके पास इन लोग गए हुए हैं, ठीक है, अपनी जो है आयु सीमा को बढ़ाने के लिए। 5-6 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, साथ में स्टडी कर रहे हैं। अनएलिजिबल कैटेगरी में आना चालू हो गया। विष्णुदेव साय जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को एक विनती करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि उनसे मिल करके हम लोग बातचीत करें और उनको बता सके कि हमारी स्थिति अभी की डेट में क्या है। पी में मिला हुआ है कोरोना के लिए 3 साल बकायदा उनने अपने एडवर्टाइजमेंट में। कांग्रेस सरकार थी, 5 साल में आरक्षक भर्तियों का एक ही विज्ञापन निकला था, लेकिन वो भी ऐन समय में आचार संहिता के पहले निकाला गया जिसे टाल दिया गया था। तो कुल मिला के 2017 से आरक्षक भर्ती नहीं निकली है, तो अभ्यर्थी पहुँचे हैं, क्या इनकी मांग है वो पूछते हैं इनसे, क्या किस कारण से आप सीएम से मिलने आए। सर हमें आरक्षक भर्ती अभी जो निकली हुई है उसमें 5 साल का रिलैक्सेशन चाहिए, क्योंकि अभी 5-6 साल से कोई वैकेंसी आई नहीं है, हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में, साथ में स्टडी कर रहे हैं, और तो फिर हम चाहते हैं कि हमको रिलैक्सेशन मिले और हम एग्ज़ाम दे पाएँ। कोरोना काल भी था, उस समय भी भर्तियाँ नहीं निकली थी, तो वो समय भी पूरा खराब हो गया। खराब हो गया बिल्कुल, सभी का एज उसमें क्या है अनएलिजिबल कैटेगरी में आना चालू हो गया। उस समय गवर्नमेंट ने कोई भर्ती विज्ञप्ति जारी नहीं की थी, और विगत पिछले अक्टूबर मंथ में ही इन्होंने विज्ञप्ति जारी की गई, और अभी जाके हम लोग माननीय श्री अरुण विष्णुदेव साय जी को, हमारे मुख्यमंत्री जी को एक विनती करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, ताकि उनसे मिल करके हम लोग बातचीत करें और उनको बता सके कि हमारी स्थिति अभी की डेट में क्या है। कई लोगों का एज बार हो गया होगा, 1 महीना 2 महीना ऐसा, कितने आप लोग में है क्या कोई एज बार भी हो रहा है? जी भैया, हम लोगों का किसी का 1 महीना एक्सेस हो गया है ज़्यादा, किसी का 2 महीना, किसी का 1 साल, किसी का 5 दिन, तो उस चक्कर में फॉर्म फिलअप नहीं कर पा रहे हैं। और भैया 1 जनवरी से 30 जनवरी तक फॉर्म फिलअप करना है, और अभी हमारे को कोई गाइडलाइन नहीं है कि हमें छूट मिल रही है 5 साल की कि नहीं, तो हम कन्फ्यूज हैं अंदर से और हताश भी हैं कि हमको ये नहीं है कि भैया मैदान में बहुत सारे लड़के हैं जो 6 साल से 5 साल से लगे हुए हैं कि भर्ती आएगी, और कांग्रेस सरकार के में कोई वैकेंसी नहीं आई थी, और कोरोना के चक्कर में 5 साल से कोई वैकेंसी नहीं आई, और अभी आई है तो उसमें हमारा एज ओवर हो गया है भैया। तो हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं सर से कि कृपया इस पे ध्यान दिया जाए और थोड़ा छूट दिए ताकि हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएँ। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं रायपुर से ही हूँ। क्या कहना चाहूँगा? मैं तो यही चाहूँगा सर जी आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये जो ग्रुप है 8-10 आदमियों का नहीं है, हमारे पीछे भी 50-60 हज़ार बंदे हैं सामान्य वर्ग वाले, जिनको छूट मिलना चाहिए, क्योंकि क्या है कि कोरोना काल भी झेला है इन लोगों ने, और सरकार के माध्यम से मैं ये आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि अगर छूट मिलती है तो हमारे जो अभ्यर्थी लोग हैं वो फॉर्म डाल पाएंगे और पात्र हो जाएंगे इसमें, और उनको ऐसा नहीं है कि छूट मिल जाएगी तो उनको जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो मैदानी स्तर पर अपना मतलब खेलकूद करके अपने प्रतिभा से नौकरी पा सकते हैं, बस एज में छूट चाहिए बस अपने को। एक बात तो है कि कुछ राज्यों में छूट मिली भी है, एमपी में शायद छूट मिली है ना? एमपी में मिला हुआ है कोरोना के लिए 3 साल बकायदा उनने अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा एएसआई भर्ती में छूट दी गई है, साथ में वन रक्षक में छूट दी हुई है अभी इन्होंने 5 साल की, और अभी वाली जो ये जो कॉन्स्टेबल जो भर्ती है इसमें महिलाओं को 10 साल की छूट दी गई है, तो हम चाहते हैं कि लड़कों को भी मिलनी चाहिए इसमें। आप कहाँ से? भिलाई से, भिलाई दुर्ग। क्या कहेंगे? वही एमपी में भी मिला है और यूपी में भी मिला है। आप अपने स्तर में और क्या कर सकते हो, ठीक है,
एज क्यों को बढ़ाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हो, एज में 5 वर्ष की और छूट की क्या है इन लोग मांग कर रहे हैं, तो आप भी अपने स्थानीय जो विधायक हैं आपके स्तर में जो मंत्री हैं, ठीक है, उनसे आप मिलिए, आवेदन दीजिए और इस तरीके से कीजिए, क्योंकि अभी देखो फॉर्म डालना चालू हो चुका है, अगर आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे, ठीक है। जो भाई लोग का क्या है, एक एक अगर 24 रहता, ठीक है, 1 जनवरी 2024 रहता तो इन लोग का क्या है एज हो जाता, लेकिन एज का जो गणना है, एज की गणना क्या है 1/1/2023 से हो रहा है, ठीक है, 1/1/2023, इसको भी पूरा लिख देता हूँ, 2023 से हो रहा है एज की गणना। तो इन लोग भाई लोग का क्या है, देखो इन लोग का 18 साल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, फिर भी इन लोग इस तिथि को होने के, इस स्थिति में गणना होने के वजह से क्या है इन लोग का, लोग अभी फार्म नहीं डाल पा रहे हैं। तो ये जो भाई लोग हैं जितने भी, ठीक है, सभी लोग क्या करना, आप लोग अपने स्थानीय स्तर पर नेताओं से मिलिए, मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दीजिए कि सर जो आयु की गणना हो रहा है उसके लिए हमारा शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है, आप लोग बिल्कुल आवेदन दीजिए और हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा चीज़ है, आप सभी को मौका मिले हम ऐसा चाहते हैं, ठीक है, हमारी शुभकामनाएँ आपकी उज्ज्वल भविष्य की कामना करती है, आप लोग को मौका मिल जाए, थैंक यू।